चीन से फैले कोरोना वायरस को लेकर जहां सभी देश इसका इलाज ढूंढने में लगे हुए हैं, वहीं चीन और अन्य प्रभावित देशों के यात्रियों की संख्या पानीपत में 125 है। पानीपत के सीएमओ संतलाल वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 मार्च तक उनके पास एक लिस्ट स्टेट अथॉरिटी की ओर से जारी की गई है, जो सभी जिलों के सीएमओ के पास जारी की जाती है। उसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। सिविल सर्जन ने चीन और अन्य देशों से आए यात्रियों की संख्या 125 बताई है। इसके साथ ही सीएमओ ने बताया कि सभी यात्रियों को ट्रेस कर लिया गया है और कुछ लोग ही बचे हैं जो अभी तक ट्रेस नहीं हो पाए हैं। कई बार प्रॉपर एड्रेस ना मिलने की वजह से उनकी तलाश नहीं हो पाती है। उनकी तलाश के लिए स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ वर्कर उनकी तलाश में जुटे हुए हैं। कल तक हमारे पास 125 केस की लिस्ट आ चुकी है, जो कि स्टेट अथॉरिटीज की तरफ से सभी सिविल सर्जन को भेजी जाती है, जिसमें पानीपत के 125 केस रहे हैं अब तक, और उनको ट्रेस कर लिया गया है। उनमें थोड़े बहुत लोग हैं जो ट्रेस नहीं हो पाए हैं, क्योंकि एड्रेस कई बार कंप्लीट नहीं मिलता और उनके फ़ोन नंबर भी उसमें लिस्ट में नहीं होते। तो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, उनके माध्यम से उनके घरों तक विजिट करते हैं और जाके पता करते हैं कि उनको कोई साइन सिम्टम्स है या नहीं है। तो अभी तक ऐसा कोई भी केस नहीं मिला जितने भी लोग बाहर से आए हैं जिनको कोई एक्चुअल में साइन सिम्टम्स हों या जिनको कोई अलग से प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत हो। तो ये है, 125 केस हैं टोटल अभी तक के।